हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा आपको पता है कि मैं ट्रिप पे गई थी कुछ दिन के लिए, तो उसी का ब्लॉग जो है लेके आई हूँ। और ये ब्लॉग जो है पार्ट वाइज जाएगा, तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ों को मैंने एक तरफ रखा है, और जो कपड़े वगैरह हैं यहाँ पर मैं अपने अलग और हस्बैंड के अलग से पैकिंग कर रही हूँ। क्योंकि इस तरह से रहता है तो निकालने में भी अच्छा रहता है, और किसके सामान कहाँ हैं तो वो आसानी से मिल भी जाते हैं। इस सफ़र से क्या एक्सपीरियंस मुझे रहा और मुझे क्या चीज़ें ले जानी चाहिए क्या नहीं ले जानी चाहिए, तो वो सारा मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। और गर्मियों में अगर आप जा रहे हैं ट्रिप पे, तो आपके कॉटन के कपड़े ज़्यादातर रखिए, क्योंकि जो आपके शरीर को आराम दे वही कपड़े वगैरह ले जाना चाहिए। और अगर आप गर्म देशों में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर ठंडे देशों में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ जो है गर्म कपड़े भी ले जाने चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि जितना सामान अगर कम रहे, बस कपड़े वगैरह का ध्यान में रख करके बाकी चीज़ों को जो है थोड़ा मैनेज करके जाना चाहिए। क्योंकि सफ़र का मतलब है कि जितनी चीज़ें अगर साथ में रहती हैं तो सब सफ़र का जो मज़ा है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं अपने दो स्टॉल रख रही हूँ इन केस कभी ज़रूरत पड़े। और बाकी मेरे सारे कॉटन के सूट वगैरह जो हैं यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ, और हस्बैंड के मैंने पैक कर दिए हैं, ये मेरा है। और हम लोग को आज ही निकलना है। हम लोग का जो है अयोध्या से ट्रेन है, तो हम लोग बाई बस अयोध्या जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ये 10 दिन का टूर है हम लोगों का। और तो जहाँ जहाँ मैं गई उसको वन बाय वन करके उसको मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ज़्यादा नहीं मैं कर पाई हूँ, जितना मुझे संभव हो पाया है, जितना मैंने कोशिश किया है उतना मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जैसा पता है कि मंदिर वगैरह में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो वहाँ का तो नहीं मैं ले पाई हूँ, और जहाँ पर अलाउ है वहाँ पर मैंने कुछ शेयर ज़रूर किया है। तो इस तरह से जो कपड़े वगैरह हैं मेरे अभी पैक हो गए। और हैंड टॉवल ज़रूर आप अपने साथ रखिए, 2-3 ज़रूर रखिए, और क्योंकि हैंड टॉवल बहुत ही काम आते हैं। क्योंकि मान लीजिए सफ़र में गंदे हो गए तो फिर एक रख दीजिए, फिर दूसरा जो धुला हुआ जो हैंड टॉवल है उसको आप निकाल के यूज कर सकते हैं। तो पैकिंग लगभग मेरी हो गई है, और इन चीज़ों को मैंने इस तरह से रख दिया है। खाने का अलग है, ये हस्बैंड का छोटा सा ट्रॉली, और इसमें जो है बैग में चादरें वगैरह रखी हैं मैंने, और एक में मेरे हैं। तो उसके बाद मैंने हम लोग 10:30 बजे मॉर्निंग में 22 तारीख को निकल गए थे, और फिर हम लोग बस स्टैंड से बस लेंगे, फिर वहाँ से अयोध्या के लिए हम लोग जाएंगे। क्योंकि जो ट्रेन है वो आगरा से आ रही है, गोरखपुर से नहीं थी, तो आगरा से हम लोग उसको लेंगे। और फिर 3 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग यहाँ पे फिर हम अयोध्या स्टेशन आ गए हैं। आपको ये बंदर वगैरह देख के अंदाज़ा लग गया होगा, और काफ़ी भीड़ नहीं थी। हम लोग का ट्रेन जो है शाम को 5:30 बजे थी, बट वो थोड़ी लेट आई, 1.5 घंटे लेट आई। तो हम लोग बैठे थे, हम लोग का 6 लोग का ग्रुप था जाने का। तो इस तरह से अयोध्या का मेन स्टेशन आपको सामने दिख रहा होगा, और ये भाभी जी हैं मेरी, दूर के रिश्ते में ये जेठानी लगेंगी, और ये जो पिंक टी शर्ट में इनके हस्बैंड हैं, ये प्रोफेसर थे, फिर बाद में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, फिर वहाँ से ये रिटायर हो गए हैं। और दो लोग का और था, तो वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही थे, और उनकी वाइफ हैं। और जो नाश्ता वगैरह हम लोग ले गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस वजह से मैंने मास्क लगाया था। क्योंकि जैसा आपको पता है कि धूल गर्दा से मुझे तुरंत एलर्जी हो जाती है। और ये थोड़ी देर बाद हम लोग की जो ट्रेन है वो आ गई, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग चढ़ेंगे। और ये हैं हस्बैंड वाइफ, ये लोग 2 लोग हैं साथ में, भी थोड़े बुज़ुर्ग हैं,
ये भी इनके भी हस्बैंड हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, और ये भी हम लोग के जो सहजनवा के पास में ही इन लोगों का घर है। और तो भी लोग बहुत ही अच्छे थे, छः का ग्रुप था, काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। और ये बंदर देखिए पानी किस तरह से अपने हाथ से, जैसे इंसान पीते हैं उस तरह से दबा के फिर पानी पी रहा था। मुझे तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं कैप्चर करती हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है हम लोग ट्रेन में बैठ गए, तो देखिए अंधेरा हो गया है। और जो हम लोग का टूर जो करा रहे हैं, पूरी ट्रेन टूर की ही थी, तो रेलवे की तरफ से हम लोग का ये AI कार्ड मिला था। इसमें अभी हम लोग फ़ोटो वगैरह इसमें लगाएंगे, सबके गले में है। और सबके फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और ये मॉर्निंग का व्यू है, और ये भाई साहब हैं जो थोड़ा सा कविता वगैरह संगीत वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा ये मॉर्निंग का व्यू है। हम लोग ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह पीऊ करके नाश्ता भी हम लोग का हो गया था, तो ये हुआ कि चलो थोड़ा सा गुनगुनाया जाए। तो बस थोड़ी सी कोशिश है भाई साहब की, वो कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बस फ़ोन बैठ के चलाना, क्योंकि नेट उतना चल नहीं रहा था ट्रेन में, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। जहाँ चल रहे थे वहाँ पर मैं आप लोग के कमेंट का जवाब दी। और क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग जो बैजनाथ धाम है, जिसे बाबा धाम बोलते हैं, तो वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं और नाश्ता वगैरह करके। तो यहाँ का देखिए पहाड़ी इलाका जो है, ये बिहार का है, पटना बिहार का। और इस तरह से, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका वगैरह भी था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये सफ़र हम लोग का काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा, क्योंकि इस तरह के टूर में मैं पहली बार गई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी इन्जॉय करिए। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड था ना ज़्यादा गर्म था, ठीक ठाक था। और ये जो पहाड़ी वगैरह थे आपको दिख रहे होंगे, इस तरह से देखिए, मैंने जूम किया है हालांकि कैमरा, ये देखिए। तो उस दिन मौसम भी कुछ सही नहीं था, ठीक ठाक था। और तो यहाँ से आपको जो पहाड़ी इलाका है, क्योंकि भोलेनाथ की नगरी है, तो ये मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हो ही गया। और जो पर्वत वगैरह हैं तो देख सकते हैं, और वहाँ पर इतना शांत लग रहा था, जैसे लग रहा, और ठंडी ठंडी हवाएं भी वहाँ, देखिए धूप हल्की निकली है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ठंडी ठंडी हवाएँ भी चलने लगी। और तो बस कुछ ही देर में हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और ये जो टूरिज्म हैं जो रेलवे की तरफ से, तो इन्होंने बस भी ऑर्गेनाइज किया था, और एक हर कोच के लिए एक एक जो है ये गाइड प्रोवाइड करवाए थे। तो हम लोग 900 यात्री थे पूरे ट्रेन में, और हर एक बोगी के लिए अलग अलग से एक सिक्योरिटी गार्ड और जो है गाइड प्रोवाइड करवाई थी रेलवे। तो हम लोग बस में देखिए बैठ गए हैं, बस के लिए अब हम लोग जा रहे हैं बैजनाथ धाम के लिए। स्टेशन से उतर गए हैं, और हम लोग एक जो धर्मशाला है वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, और वहाँ पे हम लोग स्नान वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। और वहाँ पे जो है शिव कुंड है नहाने का, बट हम लोग वहाँ नहाए, क्योंकि जो पानी है वहाँ का जो ठहराव था, और काफ़ी बड़ा है वो शिव कुंड, तो हम लोग धर्मशाले में ही शावर वगैरह लिए, फिर उसके बाद दर्शन के लिए गए। और ये पूरी मेरे कोच के, जिस कोच में हम लोग थे S5 में, तो बस S5 के लोग हैं ये,
और जो बस गए थी वो फिर दूसरे बस में जो हम लोग के गाइड है वो बैठा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नहा धो करके और प्रसाद वगैरह ले करके ये लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए। और ये है वहाँ का वैजनाथ धाम, जिसे बाबा धाम बोला जाता है। और इस तरह से चारों तरफ का एरिया, और फ़ोन नहीं अलाउ था अंदर ले जाने के लिए, तो बस बाहर का मैंने जो है ये रिकॉर्ड कर लिया। कई टर्न में जाना था हम लोगों को, जैसे लाइन आप देख रहे हैं ये हम लोग की ये लाइन है, फिर इधर जाना है, फिर दो तीन राउंड करके लाइन में करके फिर हम लोग को जाना था, क्योंकि हम 900 यात्री तो हम ही लोग थे, अदरवाइज वहाँ के जो लोकल वगैरह थे तो वो भी थे, तो भीड़ काफ़ी हो गई थी। और अच्छे से हम लोग का दर्शन वगैरह हो गया इस तरह से देखिए, और वन बाय वन करके जाना था और अच्छे से दर्शन मतलब हम लोग का हो गया। और काफ़ी मैं पहली बार यहाँ पे गई थी वैजनाथ धाम जो है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी और काफ़ी मुझे इसका एक्सपीरियंस जो अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय मैंने इसमें इस सफ़र में किया। और नहाने वगैरह की सुविधा जो धर्मशाला था उसमें काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ का मैं नहीं ले पाई क्योंकि तुरंत हम लोग को तुरंत सावर लेके तुरंत हम लोग को यहाँ पे आना था और फिर ट्रेन हम लोग को पकड़नी थी, क्योंकि उसने जो गाइड है वो 3 घंटे का टाइम दिया था, 3 घंटे में हम लोग को सावर करना था, फिर बस पकड़ना था और फिर वहीं खाना वगैरह भी खाना था धर्मशाला में ही, तो खाना वगैरह सब वही प्रोवाइड करवाए थे जो हम लोग के जो टूरिज्म भारत दर्शन का जो ट्रेन था बस वही लोग करवाए थे। और ये मैं देखिए मेन दरवाज़ा है का, तो मैं अब यहाँ पे कैमरा मैं ऑफ़ करूँगी क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, बस में हम लोग एंट्री हो रही है। उसके बाद दर्शन वगैरह करके सारी ये सब दुकानें वगैरह जो वहाँ की हैं तो सारी चीज़ें हैं, प्रसाद वगैरह जो चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे दाम पे भी मिल जा रहे थे सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं लिया, बस जो प्रसाद है और एक सिंदूर की डिबिया और एक बिंदी मैंने यहाँ से बस लिया। और ये शिवकुंड है, यही शिवकुंड है, तो कितना बड़ा है, कुछ लोग तो यहीं पे नहाए वगैरह नहा वहाँ के तब दर्शन करने के लिए गए, और जो बाबा धाम जाते हैं इसी शिवकुंड में नहाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जल भरते हैं फिर वो नहाने जाते हैं। तो हम लोग नहीं नहाए और क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं नहाया। तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और ये जो ब्लॉग है मैं पैकिंग से लेकर के बैजनाथ धाम तक का जो है इसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और आगे वीडियो में मैं बोधगया का आप लोग को दर्शन कराऊंगी। तो मेरे चैनल पे जो न्यू विजिट कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बोधगया का ब्लॉग देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो चलिए फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक।